फिर इसलिए अप्रिशिएट भी करता है ना। तो ये जरूरी होता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का भला ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छा करके चलोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भी तो ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अच्छा करके चलते हो तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसे होनी चाहिए। पता नहीं है फिर तो हम भी गलत नहीं है, जब मुझे मालूम ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या तो गलत नहीं। लेकिन अगर पता है तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूं सही से। यो सर, कमर्शियल ऑफिसर्स में जो डेस्क होता है मतलब एम्प्लॉइज का, उसकी फेसिंग्स कैसे होने चाहिए मतलब डायरेक्ट? देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जो हम कमर्शियल ऑफिसर्स में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉइज को ईस्ट में या नॉर्थ में बैठाना चाहिए फेसिंग करने। उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। दरवाजे के सामने डेस्क नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा मतलब मतलब जैसे ऐसे मानिए जैसे दरवाजा है ठीक है, इस दरवाजे के एकदम ठीक सामने आपकी टेबल कभी नहीं होगी। टेबल जैसे ये दरवाजा है यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दरवाजे से सीधा हिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो हिटिंग होती है ये हमेशा डिस्टर्बिंग होती है, वो कभी नहीं होना चाहिए। वो चाहे बॉस का हो या बेडरूम में भी अगर आप डिजाइन करा रहे हो बेडरूम में, जैसे सपोज बेडरूम में ये बेड है और ये दरवाजा है, तो तभी भी आप ध्यान रखिएगा कि एकदम बेड दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मतलब डायरेक्शन इश्यूज हो तो अगर आ जाए तो स्लीपिंग पोजीशंस या उसके लिए तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए बाय चांस नहीं हो पाता तो दरवाजे के एकदम सामने आपके पैर कभी नहीं होने एंगल, मतलब जैसे जैसे ये डोर है ये आपका बेड पड़ा हुआ है तो पता लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैर एकदम डायरेक्ट दरवाजे की तरफ है। अगर यहाँ पे बेड है तब इधर साइड पैर हो सकते हैं, कोई सुनी सामने वॉल आ रही है, लेकिन जस्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द डोर यू शुड नॉट हैव योर लेंथ। सर जो वॉल पेंटिंग जो रखता है ना फ्रेम में वो किस टाइप की होनी चाहिए, उसके टाइप्स रह गए क्या होता है एक ना चीज होती है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है, विजन बोर्ड का मतलब ये होता है टू मैनिफेस्ट द थिंग। जैसे आपका कोई सपना है किसी चीज का, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, लाइक से आप एक कोई पर्टिकुलर कार है आपको BMW रेंज रोवर ऑडी कोई भी कार आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एक विजन बोर्ड हम लोगों को बताते हैं। एक्चुअली आई एम टू मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग ऑल्सो, मैं क्या है उसके लिए भी काम कर रहा हूँ कि टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज, तो उसके लिए भी सेमिनार्स वगैरह करते हैं एंड कीप द टॉक्स ऑल्सो। तो विजन बोर्ड को हम उसको बोलते हैं कि टू अचीव योर ड्रीम्स आप एक बोर्ड बनाइए उसको पिक लगा दीजिए, वो पिक लगा ऐसी जगह लगाइए जो आपके हमेशा आंखों के सामने रहे। तो क्या होता है उसका विजुअल इम्पैक्ट ये होता है जो आप देखते रहते हो ना वो धीरे 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 आपकी सबकॉन्शियस में जाती रहती है, आपकी जो सबकॉन्शियस में जाती है तो वो एक दिन मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है। तो दिस इज नोन एज टू बी द विजन बोर्ड। दिखती नहीं कि बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए पेंटिंग्स आप जब भी घर में लगाते हो या कहीं पे भी लगवाते हो तो पेंटिंग शुड नॉट बी नेगेटिव। जैसे कई बार सैड मूड की पेंटिंग्स होती है ठीक है, या आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है एक अकेली लेडी की पेंटिंग होती है सैड फेस वाली, या वीपिंग लेडी की फोटो होती है, इस तरह की कमी नहीं रहती। इवन जो जो ये होते हैं शेर चीते वगैरह की फोटो भी नहीं लगाती एंड कोई भी वॉर सीन नहीं लगा रहती कभी। सर
अगर स्लीपिंग लेडी की फोटो नहीं है, अगर